अमीरी गरीबी का भेदभाव, और इसी की वजह से फ्रांस में हो गया एक और रिवॉल्ट और ऐसे बना ब्रिटेन से ग्रेट ब्रिटेन। हाय बच्चे बारी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज हम करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन जस्ट 30 मिनट्स। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको एक पेंटिंग देखने को मिलती है। इस पेंटिंग के फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है फेडरिक सोयो और ये पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में। अब इसके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने को मिलती है और इसमें यूरोप के कई सारे नेशंस और अमेरिका को दिखाया गया है अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स और नेशनल झंडों के साथ। अब उस जमाने में जब ये पेंटिंग बनाई गई थी तब तक ऑलरेडी अमेरिका और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट्स बन चुके थे, इसीलिए इसमें जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई हुई है पेंटिंग के अंदर उससे आगे सरपास करते हुए आपको अमेरिका और स्विट्जरलैंड दिखेंगे, लेकिन उसके जस्ट सामने फ्रांस एज अ नेशन को दिखाया हुआ है और पीछे लोम्बार्डी और जर्मनी और यू नो किंगडम ऑफ टू सिसलीज जैसे नेशन दिखाए जो तब 1848 में नेशन स्टेट्स थे भी नहीं। तो इसको एक ड्रीमी विजन बोल सकते हो, इस पेंटिंग को आप एक उटोपिया बोल सकते हो। और इसके साथ साथ नीचे जो ग्राउंड एरिया है वहां पे आपको मोनार्की के चिन्ह दिखाए गए हैं, जैसे कि राजा का ताज, जैसे कि राजा की छड़ी, ऑल ऑफ दैट। और स्काई एरिया में इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं एंजल्स और जीसस क्राइस्ट जो नीचे नेशन स्टेट्स को अपना दे रहे हैं आशीर्वाद। अब देखो ये चैप्टर इस पेंटिंग से शुरू क्यों होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कैसे यूरोप के सारे देश नेशन स्टेट्स बने नेशनलिज्म की भावना की वजह से। अब ये एक दिन में तो नहीं हो गया था कि मोनार्की खत्म हो गई, एब्सोल्यूटिस्ट नेशंस खत्म हो गए और सीधे नेशन स्टेट्स बन गए। ये एक लंबी जर्नी थी और इसीलिए धीरे धीरे बदलाव आया था। तो पहले मोनार्की से मॉडर्न स्टेट बना और फिर मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट्स बना। तो मॉडर्न स्टेट के अंदर नेशन स्टेट्स के कुछ फीचर्स तो थे लेकिन सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि मॉडर्न स्टेट में सेंट्रलाइज्ड सोवेरेनिटी यानी कि पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, लेकिन नेशन स्टेट्स में और भी ज्यादा फीचर्स थे जो आज भी आपको नेशन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक शेयर्ड आइडेंटिटी, एक शेयर्ड हिस्ट्री और उसके साथ साथ सोवेरेनिटी जो कि सेंट्रलाइज्ड होती है। तो चलो अब शुरू करते हैं असली चैप्टर। असली चैप्टर शुरू होता है फ्रांस की कहानी से। क्लास 9 में आप पढ़ के आए हो फ्रांस का रेवोल्यूशन 1789। वो रेवोल्यूशन पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, क्योंकि पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ था कि राजा के हाथ से पॉलिटिकल अथॉरिटी छीन के फ्रांस के लोगों को दे दी गई थी, राइट? और ये सब कुछ बहुत आसानी से नहीं हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत कोशिश की थी लोगों के अंदर एक कॉमननेस जगाने की, इसके लिए कई सारे मेजर्स भी उठाए थे उन्होंने। फॉर एग्जांपल उन्होंने लापत्री और ले सितोयन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। लापत्री का मतलब होता है कि फ्रांस लोगों का फादरलैंड है और ले सितोयन मतलब लोग फ्रांस को बिलोंग करते हैं, फ्रांस के सिटीजन है। इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड रॉयल फ्लैग था उसे हटा के फ्रांस का नया तिरंगा लाया गया था। इसके साथ नई नई कस्में, नए नए वादे, नए नए गीत लाए जा रहे थे। फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज को मार्टियर घोषित किया जा रहा था जिनकी जान चली गई थी रेवोल्यूशन में। इसके साथ फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया था, कॉमन लैंग्वेज बना दिया था। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर दिया गया था ताकि लोगों के अंदर एक कॉमननेस आए। एक स्टैंडर्ड वेइंग और मेजर्स का सिस्टम आ गया था, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आ गई थी और भी बहुत कुछ। और फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज और फ्रांस की आर्मीज ने सिर्फ फ्रांस को आजाद करने की कसम नहीं खाई थी बल्कि वो पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म से आजाद कराना चाहते थे। अब आप जानते हो कि फ्रांस से जैकोबिन क्लब शुरू हुए थे जिसमें मिडिल क्लास मेंबर हुआ करते थे सोसाइटीज के, लेकिन ये जैकोबिन क्लब देखते ही देखते पूरे यूरोप में फैल गए थे। अच्छा, क्लास 9 में आप ये भी पढ़ के आए हो कि फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद राजा रानी को सूली पे चढ़ा दिया, फिर रीन ऑफ टेरर आया, फिर नेपोलियन आया, राइट? यस, नेपोलियन ने फ्रांस को बचा तो लिया था, लेकिन नेपोलियन ने जो इतनी मुश्किल से फ्रांस के रेवोल्यूशन की वजह से डेमोक्रेसी आई थी ना उसे ध्वस्त कर दिया था और रीस्टैब्लिश कर दी थी मोनार्की। अब नेपोलियन बड़ा अजीबो गरीब इंसान था, नेपोलियन बहुत एंबिशियस था, वो सिर्फ फ्रांस को कॉन्कर नहीं करना चाहता था, पूरे यूरोप को करना चाहता था। उसने कुछ अच्छी चीजें की, कुछ बुरी चीजें की। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। अच्छी चीजों में उसने बनाया सिविल कोड ऑफ 1804 जिसमें उसने पूरे यूरोप में बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की, जैसे उसने फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया, मिनोरियल ड्यूज को खत्म कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ ले आया, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क को अच्छा कर दिया। इसके साथ साथ उसने लोगों को इक्वल बताया और जो बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस मिलते थे क्लर्जी और नोबिलिटी को उन्हें अबॉलिश कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी ले आया और भी बहुत कुछ। अब देखो नेपोलियन जहां जहां कॉन्कर करने जिन एरियाज को जाता था पहले तो लोग बड़ा खुश होते थे, लोग फ्रांस की आर्मी को और नेपोलियन को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी की तरह देखते थे, लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे समझ आया, उनका इनिशियल एंथुजियाज्म जो था वो खत्म हुआ और लोगों को समझ आया कि ये नेपोलियन जो है बाकी मोनार्क से कोई बहुत अलग नहीं है। ये लोगों को ना पॉलिटिकल फ्रीडम दे रहा था, ऊपर से लोगों पे सेंसरशिप लगा रहा था, इनफैक्ट इसने ओवरऑल फ्रांस या यूरोप में टैक्स बढ़ा दिया था, तो लोगों ने नेपोलियन को भी सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब चलो ये तो हो गई फ्रांस की बात,
बाकी यूरोप का क्या, जर्मनी, इटली, स्पेन, इन एरियाज का क्या? तो ये भी कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे उस जमाने में, ये भी कैंटोन्स, डचीज या फिर किंगडम्स की तरह एग्जिस्ट करते थे, जहां पे एक राजा हुआ करता था और राजा का राजपाट हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करें तो वो पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी वाले एरिया पे कब्जा किए बैठे थे। लेकिन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर कोई एक एथनीसिटी के लोग नहीं थे, एक कल्चर के लोग नहीं थे, बल्कि टायरोल के भी लोग थे, बोहिमियन लोग भी थे, गैलेशिया बोलने वाले लोग भी थे, इटालियन बोलने वाले लोग भी थे और स्पैनिश बोलने वाले लोग भी थे। तो एक तरीके से उस जमाने के किंगडम्स एक पैचवर्क की तरह एग्जिस्ट किया करते थे, जिसमें कॉमनालिटीज नहीं थी, लोग आपस में भाईचारा फील नहीं करते थे, बल्कि उनमें पॉलिटिकल यूनिटी थी ही नहीं और उनकी एलिजेंस सिर्फ राजा के प्रति हुआ करती थी, आपस में नहीं हुआ करती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमीरी गरीबी का भेदभाव। क्या यूरोप में सब लोग अमीर हुआ करते थे? बिल्कुल भी नहीं। यूरोप की जो माइनॉरिटी थी, यानी कि कुछ थोड़े से लोग थे जो बहुत अमीर हुआ करते थे, उन्हें बोला जाता था एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी वो क्लास हुआ करती थी यूरोप में जिनके पास इतना पैसा हुआ करते था कि शहरों में भी घर हुआ करते थे और कंट्री साइड में भी बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट या बहुत बड़े बड़े लैंड के टुकड़े हुआ करते थे। ये लोगों का ना रहन सहन एक ही तरीके का हुआ करता था, यानी कि स्पेन के अमीर लोग उठा लो या फ्रांस के अमीर लोग उठा लो, सबके आपस में या तो शादी ब्याह की वजह से कनेक्शन हुआ करते थे या रहना सहना और लाइफस्टाइल एक ही तरीके का होता था। ये सब लोग डिप्लोमेसी के लिए फ्रांस की भाषा बोलते थे, यानी फ्रेंच भाषा बोलते थे। लेकिन यूरोप की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ये नहीं थी, मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब थी, यानी कि फार्मर्स की थी। और फार्मर्स भी एक तरीके के नहीं थे, फार्मर्स अलग अलग तरीके के थे। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूरोप के जो फार्मर्स थे वो अभी भी फ्यूडलिज्म से जूझ रहे थे, बाकी पार्ट्स में यूरोप के फिर भी फ्यूडलिज्म खत्म हो गया था। तो पहले तो सिर्फ ये दो क्लासेस एग्जिस्ट किया करती थी, लेकिन बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप में एक तीसरी क्लास आ गई, जिसे आप मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास या कॉमन पीपल बोल सकते हो। यही पॉपुलेशन आगे जाके लिबरल पॉपुलेशन कहलाने लगी। ये फैक्ट्रीज में काम किया करती थी, इसके पास एजुकेशन भी थी, थोड़े से पैसे भी थे, तो ये ना तो एरिस्टोक्रेसी जितनी अमीर थी, लेकिन ना ही ये पेजेंट्स जितनी गरीब थी, ये थी मिडिल क्लास पॉपुलेशन। और यही आगे लिबरलिज्म का झंडा कैरी करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट लिबरलिज्म नाउ। लिबरलिज्म यानी कि जो लिबर वर्ड है इसमें, उसका लिटरल मतलब होता है फ्रीडम। लिबरलिज्म का एक तरीके से मतलब आप निकाल लो ओवरऑल आजादी। अब आजादी सिर्फ एक तरीके की नहीं, आजादी हर तरीके की। मोनार्की में किसी भी तरीके की आजादी नहीं होती थी। तो ये जो नई मिडिल क्लास जनता थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के राज में, ये चाह रही थी कि पॉलिटिकल आजादी भी हो, सोशल भी हो, इकोनॉमिक भी हो। पॉलिटिक्स में ये लोग चाह रहे थे कि एक ऐसी सरकार बने जो लोगों के कंसेंट से बने, पार्लियामेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशन बने, राइट। इकोनॉमिक्स में ये लोग चाह रहे थे कि मार्केट जो है थोड़ा फ्री हो जाए, टैक्सेस कम हो जाए, करेंसी का नंबर कम हो जाए। सोसाइटी में ये लोग चाह रहे थे कि वोटिंग का अधिकार मिल जाए, ऑल ऑफ दैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वोटिंग का अधिकार सबके लिए चाह रहे थे, ये वोटिंग का अधिकार सिर्फ प्रॉपर्टी वाले आदमियों के लिए चाह रहे थे। औरतों को तो माइनर करार दे दिया जाता था, और जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, वो टैक्स नहीं दे पाते थे, उन्हें भी माइनर ही यानी कि पैसिव सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था, चाहे वो नेपोलियन के राज में हो, चाहे वो मोनार्की के राज में हो, चाहे वो लिबरल्स के राज में हो। तो ये थी पूरी सिचुएशन। अच्छा, इकोनॉमिक्स की बात ना थोड़ा डिटेल में करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यूरोप एक पैचवर्क की तरह एग्जिस्ट किया करता था। तो जैसे जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को उठा लो, तो वहां पे क्या हुआ करता था यूरोप में कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो करेंसी चेंज हो जाया करती थी। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्स भरना है तो पहले करेंसी एक्सचेंज कराओ, फिर टैक्स भरो। तो गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे बहुत ही रोक ठोक लगाई रहती थी। इसीलिए प्रशिया ने इनिशिएटिव लिया 1834 में। प्रशियन लिबरल लोगों ने बनाई जोलवरिन नाम की एक कस्टम यूनियन, ताकि ये जो फैसिलिटेशन था गुड्स का या बिजनेस करना था वो थोड़ा सा आसान हो जाए। इससे काफी अच्छी चीजें हुई यूरोप में। जोलवेरिन की वजह से रेलवे नेटवर्क स्ट्रेंथन हो गया, जोलवेरिन की वजह से करेंसी का नंबर 30 से घटके 2 हो गया यूरोप के अंदर, और जोलवेरिन की वजह से ही थोड़ा ओवरऑल कस्टम ड्यूटीज कम हो गई। लेकिन अभी भी पूरे यूरोप में सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। एक तरफ नेपोलियन के हेटर्स पैदा होते जा रहे थे, दूसरी तरफ लिबरल लोग थे, और तीसरी तरफ पुराने कंजर्वेटिव लोग थे जो सोसाइटी में कोई चेंज नहीं चाहते थे। चलो कंजर्वेटिव लोगों को डिस्कस करते हैं। आप ऑलरेडी क्लास 9 से पढ़ के आए हो कि कंजर्वेटिव पीपल वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में जैसा जो चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहते हैं। वो पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करते हैं, जैसे कि मैरिज, जैसे कि चर्च, जैसे कि राजा, जैसे कि मोनार्की, ऑल ऑफ दैट। वो चेंजेस को पसंद नहीं करते। लेकिन अब जो यूरोप के 18th-19th सेंचुरी के कंजर्वेटिव लोग थे, वो सारे चेंजेस को अपोज नहीं कर रहे थे। नेपोलियन ने जो अच्छी अच्छी चीजें की थी, जैसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अच्छा कर दिया था या आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया था, उन्हें वो चेंजेस पसंद थे। लेकिन वो एक्चुअली अभी भी मोनार्की
की सपोर्ट करते थे, नेपोलियन को सपोर्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे कई सारी लड़ाइयां लड़ी नेपोलियन के साथ और धीरे धीरे उसने टेरिटरीज उसकी छीन ली जो उसने इतने दिनों से एक्सपैंड करके हथियाई थी। और फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू जो 1815 में हुई, वहां पे ये कंजर्वेटिव दोस्तों मिलके नेपोलियन को हरा दिया। क्योंकि देखो उन्हें डर लगता था, उन्हें डर लगता था कि नेपोलियन कहीं फ्रांस तो छोड़ो पूरे यूरोप पे कब्जा ना कर ले। और ये कंजर्वेटिव देश थे चार, इसे आप याद कर सकते हो विद द एब्रीवेशन बाव, यानी कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया। इन चारों देशों ने नेपोलियन को हराया। उसके बाद 1815 में ही ट्रीटी ऑफ वेना स्थापित कर दी। ट्रीटी ऑफ वेना के लिए जो मीटिंग की गई थी वो ऑस्ट्रिया में की गई थी और वहां का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिच, उसने ये पार्टी या मीटिंग होस्ट की थी। अब कंजर्वेटिव देश चाह रहे थे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बना के फिर से कंजर्वेटिज्म एस्टैब्लिश किया जाए यूरोप में ताकि दूसरा नेपोलियन पैदा ना हो। अब इसके लिए उन्होंने यूरोप में फिर से चेंजेस कर दिए। उन्होंने बर्बन डायनेस्टी, जो फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी पहले हुआ करती थी लुई 16th के जमाने में, उसी बर्बन डायनेस्टी का लुई 16th का एक कजन था लुई फिलिप नाम का, उसे फिर से राजा बना दिया क्योंकि नेपोलियन को हरा दिया था। इनफैक्ट फ्रांस से तो लोगों को इतना डर लगने लग गया था कि कंजर्वेटिव देशों ने फ्रांस के आसपास की जो भी टेरिटरीज थी वो आपस में बांट ली थी ताकि फ्रांस अपने पैर ना पसार सके, दोबारा से एक्सपैंड ना कर सके, दूसरा नेपोलियन ना आए, राइट। इसके साथ साथ उन्होंने डिसेंट पे एकदम रोक लगा दी थी। कोई भी कंजर्वेटिव मोनार्की इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं थी, लोग अपने ओपिनियन व्यक्त नहीं कर सकते थे। जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में चेंजेस आए थे फ्रांस या यूरोप में, वो सारे उन्होंने अनडू कर दिए थे। अब क्या ये लोगों को पसंद आ रहा था? बिल्कुल भी नहीं। लिबरल जनता तो ऑलरेडी आ गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और ये लिबरल जनता धीरे धीरे बनने लग गई थी रेवोल्यूशनरी। चलो अब रेवोल्यूशनरीज की बात करते हैं। जहां एक तरफ कंजर्वेटिव लोग यूरोप में कोई बदलाव नहीं चाहते थे, वहीं रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि मोनार्की बिल्कुल खत्म हो जाए और सारे के सारे यूरोप के देश नेशन स्टेट्स में तब्दील हो जाए। लेकिन क्योंकि यूरोप में कंजर्वेटिज्म चल रहा था, इसीलिए रेवोल्यूशनरीज को चोरी चुपके मिलना पड़ता था, सीक्रेट सोसाइटीज बना के रात को अंडरग्राउंड होकर मिलना पड़ता था। ऐसा ही एक रेवोल्यूशनरी था गुजेट मजीनी, जो जुनोवा नाम की सिटी में पैदा हुआ था। पहले वो कार्बोनारी नाम की सीक्रेट सोसाइटी का सिर्फ एक मेंबर था, लेकिन बाद में जाके उसने अपनी खुद की दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोपियन बर्न। और ये इतना फेमस हो गया कि इसे देखा देखी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, हर जगह पे रेवोल्यूशनरीज अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे। मजीनी काफी कन्विंस था, उसे लगता था उसे भगवान ने भेजा है ताकि वो इटालियन स्पीकिंग फ्रेगमेंटेड रीजन को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट में तब्दील करे। दो बार कोशिश की उसने इटली को यूनाइट करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये मैं आगे बताऊंगी। इसीलिए मजीनी को ड्यूक मेटरनिच, जो कि एक कंजर्वेटिव था, वो उनके कंजर्वेटिव यूरोप के ऑर्डर का सबसे डेंजरस एनिमी माना करता था। मेटरनिच का ये भी मानना था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है, क्योंकि फ्रांस से ही एज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू हुआ। एक्चुअली फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने जुलाई रेवोल्यूशन किया 1830 में, जहां पे उन्होंने लुई फिलिप के बर्बन डायनेस्टी को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील कर दिया। और फ्रांस का देखा देखी, सही में फ्रांस का देखा देखी, बेल्जियम ने भी अपने आप को अलग कर दिया नेदरलैंड से। और तभी ग्रीक इंडिपेंडेंस में भी तड़का लग गया। एक्चुअली ग्रीक इंडिपेंडेंस जो है वॉर, वो 1821 में स्टार्ट हो गई थी और ग्रीस को सब लोग यूरोप में बहुत मानते भी थे। ग्रीस को इनफैक्ट माना जाता था क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। लेकिन फाइनली 1832 में जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बनी, तब जाके ऑटोमन एम्पायर से अलग हुआ ग्रीस और ग्रीस को एक नेशन स्टेट की तरह माना गया पहली बार दुनिया में। अब देखो ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे रेवोल्यूशनरीज उस जमाने में मिडिल क्लास पॉपुलेशन को बिलोंग किया करते थे। कुछ रेवोल्यूशनरीज हैं जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, तो पहले आर्टिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर गरीबों वाले रेवोल्यूशंस पे आएंगे। तो जो आर्टिस्टिक रेवोल्यूशनरीज हुआ करते थे उस जमाने के, जो नेशनलिज्म की भावना आर्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उन्हें यूरोप में रोमांटिक आर्टिस्ट बोला जाता था और इसी मूवमेंट को रोमांटिसिज्म बोला जाता था। तो बेसिकली रोमांटिसिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट जिसमें आर्ट और इमोशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स और इंट्यूशंस के साथ लोगों को नेशनलिज्म का पार्ट पढ़ाया गया। फॉर एग्जाम्पल जॉन गॉटफ्राइड एक जर्मन आर्टिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने अपने कल्चर को स्थापित करते हुए दो मेजर फ्रेजेस दिए, एक दास वोक और दूसरा वोक चीज। दास वोक में इन्होंने बोला कि अगर आपको सही में जर्मनी का कल्चर देखना है ना, तो कॉमन लोगों के बीच में देखो, राजा और रानियों के घर में नहीं। और वोक चीज से उन्होंने दुनिया को ये पार्ट पढ़ाया, यही जो जर्मनी का कल्चर है, यही तो जर्मनी की सच्ची आत्मा है। ऐसे ही और भी बहुत सारे रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जैसे कि आपकी बुक में एक पेंटिंग दी हुई है जिसमें मैसेकेर ऑफ चियोस दिखाया गया है, जो फ्रेंच आर्टिस्ट डेला क्रोइक्स ने बनाई थी। बट एनीवे, अभी हम पोलैंड पे चलते हैं। देखो पोलैंड एक ऐसा देश था जो उस जमाने में रशिया, प्रशिया,
और इनफैक्ट ऑस्ट्रिया ने मिलकर आपस में बांट लिया था। पोलिश लैंग्वेज को वो लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और पोलैंड का सबसे बड़ा टुकड़ा आया था रशिया के हाथ में, तो रशिया की डोमिनेशन सबसे ज्यादा थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोलिश लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने हार मान ली थी, जैसे कि कैरल कुर्पिंस्की ने अपने पोलिश कल्चर को पोलिश भाषा में स्थापित करना शुरू किया। जैसे कि वो जो भी डांसेस करते थे वो पोलिश भाषा में करते थे, जो भी गाने गवाते थे वो भी पोलिश भाषा में करते थे, ताकि पोलिश भाषा ना मरे। आप एक देश को पे तो कब्जा कर सकते हो लेकिन आप भाषा पे कब्जा नहीं कर सकते। इनफैक्ट पोलिश बोलने वाले बिशप्स ने और प्रीस्ट ने भी अपने चर्च की गैदरिंग पोलिश भाषा में करनी शुरू की। ऑब्वियसली रशियन आर्मी जो है इन्हें मारने की कोशिश करती थी, इन्हें दबाने की कोशिश करती थी और अल्टीमेटली रशियन आर्मी जीत गई। लेकिन हम रोमांटिसिज्म वाले टॉपिक में ये नहीं देखते हैं कि कौन जीता कौन हारा, हम ये देखते हैं कि कैसे लोगों ने हिम्मत की अपने कल्चर को बचाए रखने की, अपने नेशनलिज्म की भावना को बचाए रखने की। चलो अब यूरोप के दूसरे पहलू पे चलते हैं, हंगर हार्डशिप। 1830s का जो दशक था वो यूरोप के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाइयां चल रही थी, कंजर्वेटिव लोग और लिबरल लोग लड़ रहे थे, और भी बहुत कुछ चल रहा था। इकोनॉमिक बेसिस पे भी लोगों में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, शहरों में लोग माइग्रेट तो कर जाते थे गांव से जॉब्स की तलाश में, लेकिन शहरों में जगह ही नहीं थी और जॉब्स ही नहीं थी, तो लोगों को स्लम्स में रहना पड़ता था जहां पे बहुत बीमारियां होती थी। इनफैक्ट कहीं फ्यूडलिज्म खत्म हो गया था, कहीं फ्यूडलिज्म अभी भी था, तो पेजेंट्स को भी बहुत दिक्कत होती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा आ गया था थोड़ा नहीं आया था, तो जो लोग हाथ से काम करते थे उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम भी होती थी। तो हंगर हार्डशिप हर जगह फैली हुई थी और इसी की वजह से फ्रांस में हो गया एक और रिवोल्ट। ये रिवोल्ट हुआ 1848 में, जो गरीब लोगों ने हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से किया और इसे बोला जाता है पेरिस रिवोल्ट ऑफ 1848। आपको पता ही होगा बर्बन डायनेस्टी थी, लुई फिलिप गद्दी पे बैठा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेलार्की थी, लेकिन उसने देखा था, उसे 1789 का फ्रांस का रेवोल्यूशन याद था जब उसके कजिन को गद्दी से उठा के फेंक दिया गया था और लुई द 16th और उसकी वाइफ को सूली पे चढ़ा दिया गया था। बेचारा डर गया जब पेरिस का रिवोल्ट हुआ 1848 में और वो अपनी गद्दी छोड़ के भाग गया। अब उसके पीछे से पेरिस की नेशनल असेंबली ने फिर से गद्दी संभाली और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया और नेशनल वर्कशॉप्स चलाई ताकि लोगों को थोड़ी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ऐसे ही गरीबों का एक रेवोल्यूशन हुआ था सिलेसिया नाम की जगह पे। सिलेसिया में 1845 में एक कॉटन कॉन्ट्रैक्टर था जिसने गरीब कॉटन वीवर्स को बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और बोला कि तुम सामान बना दो मैं तुमसे सारा सामान खरीद लूंगा। बाद में वो मुकर गया तो लोगों ने उसके घर पे हमला बोल दिया। बाद में आर्मी की वजह से लोगों का रिवोल्ट शांत करा दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ ये समझना जरूरी है कि गरीब लोगों के जो रिवोल्ट करने के कारण होते थे वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन के रिवोल्ट करने के कारण से थोड़े अलग होते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो अगेन 1848 में हुआ जब पेरिस का रिवोल्ट हो रहा था, लेकिन ये हुआ जर्मन स्पीकिंग एरियाज में। देखो फ्रांस में जो 1848 का पेरिस रिवोल्ट हुआ था जिसे लुई फिलिप को भगा दिया गया था, नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया था, उसी से प्रेरणा लेके जर्मन स्पीकिंग एरियाज में मिडिल क्लास पॉपुलेशन ने सोचा कि हम भी रिवोल्ट करते हैं। लेकिन वहां पे तो गरीब लोग अनएम्प्लॉयमेंट या हंगर जैसी कारणों की वजह से रिवोल्ट कर रहे थे, यहां पे मिडिल क्लास पॉपुलेशन इसलिए रिवोल्ट कर रही थी क्योंकि उन्हें जर्मन स्पीकिंग एरियाज में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था और पार्लियामेंट चाहिए था, तो यहां पे जो कारण थे वो अलग थे। एनीवे जर्मन स्पीकिंग मिडिल क्लास जनता ने पहले खुद में से 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए और ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स 18 मई 1848 को फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट बनाने निकल पड़े। अब ये फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट बने कहां, तब कोई पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट करता नहीं था, तो एक बड़ा सा चर्च हुआ करता था सेंट पॉल चर्च, जहां पे इस पार्लियामेंट को कन्वे किया गया। अब वहां पे मीटिंग की, झटपट इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट कर लिया। अब किसके पास जाए ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके कि एक्सेप्ट कर लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तब कोई जर्मनी तो एग्जिस्ट करता नहीं था, जर्मन स्पीकिंग एरियाज हुआ करते थे। तो ये लोग पहुंचे प्रशिया के राजा के पास, क्योंकि प्रशिया में लोग मोस्टली जर्मन भाषा बोला करते थे और प्रशिया उस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस में काउंट होता था। प्रशिया में राजा था फ्रेडरिक विलहम द फोर्थ। जब ये फ्रेडरिक विलहम द फोर्थ के पास गए कि देखो हम तो नेशनल असेंबली है, जर्मन नेशनल असेंबली, हमारा खुद का ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हें जर्मनी को यूनाइट करके उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना देना चाहिए, तो राजा ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है कि मैं तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करूंगा और अपनी पावर में कमी लाऊंगा। इनफैक्ट राजा ने बड़े बड़े लैंड ओनर्स और एरिस्टोक्रेसी और आर्मी की सहायता से इन लोगों के रेवोल्यूशन को ध्वस्त कर दिया। देखो रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया, कंजर्वेटिज्म बरकरार रहा, लेकिन देखने की बात ये थी जब सेंट पॉल चर्च में ये फ्रैंकफुर्ट पार्लियामेंट लगाया गया था 1848 में, तो इस पार्लियामेंट में आदमियों को तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनने का या मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का हक था, लेकिन औरतों को विजिटर गैलरी में बिठा रखा था
और फ्रेडरिक विलियम ने इसे खत्म तो कर दिया था रिवोल्ट को, लेकिन इस रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की वजह से यूरोप को एक बात समझ आ गई थी कि लोगों को जितनी बार दबाओगे लोग उतनी बार फिर से रेवोल्यूशन करने आ जाएंगे। इसलिए कुछ कंजर्वेटिव देशों ने थोड़ी सी लीनियंसी करना शुरू कर दी थी और अपने आप को मॉडर्न स्टेट बनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगेरियंस को आजादी दे दी थी। एनीवे, अब बोलो कि मैम पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है लेकिन नेशन स्टेट तो बनी नहीं रही। आयरोनिकली इस चैप्टर में जब हम इटली, जर्मनी या ब्रिटेन की कहानी और यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो एक्चुअली की कंजर्वेटिव लोगों ने ही है। तो चलो पहले जर्मनी की कहानी से शुरू करते हैं। देखो ये रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स तो फेल हो गया। अब कंजर्वेटिव राजा ने खुद सोचा कि क्यों ना मैं ही जर्मन स्पीकिंग एरियाज को यूनाइट कर दूं। अब देखो राजा भी ना यहां पे बदल गया था। एक्चुअली जो पिछले पन्ने पे हम फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ पढ़ रहे थे ना, उसने बिस्तर पकड़ लिया था और उसके छोटे भाई ने गद्दी संभाल ली थी। तो अभी आपका नया राजा है जर्मनी का विलियम वन। चलो विलियम वन की बात करते हैं। राजा कभी खुद तो काम करता नहीं है, तो उसने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया। चीफ मिनिस्टर का नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क और बिस्मार्क को बोला कि भाई तू कर दे जर्मनी को यूनाइट। तो इसी तरीके से बिस्मार्क बन गया आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बिस्मार्क ने की लड़ाई 3 देशों के अगेंस्ट 7 सालों तक। इन देशों में आते थे फैड यानी कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, और स्पेसिफिकली इन तीनों लड़ाइयों में जीत के उसने जर्मन स्पीकिंग एरियाज को यूनाइट किया। और फिर जनवरी 1871 में राजा साहब को बोला कि लो बैठो गद्दी पे। इसी तरीके से विलियम वन का प्रोक्लेमेशन सेरेमनी किया गया हॉल ऑफ मिरर्स में, जो पैलेस ऑफ वर्सैलेस में हुआ करता था, और जर्मनी हो गया यूनाइट। चलो अब इटली के ऊपर जाते हैं। इटली की कहानी थोड़ी अलग थी। इटली 7 पार्ट्स में 7 टुकड़ों में फ्रेगमेंटेड था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था। उन 7 टुकड़ों पे अलग 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 डायनेस्टीज या अलग अलग किंगडम राज किया करते थे, कहीं पे स्पेन, कहीं पे पोप, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा था सार्डिनिया पाइंडमोंट नाम का, जहां पे इटालियन स्पीकिंग प्रिंस बैठा था एक्चुअल में, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। अब विक्टर इमैनुअल यूनिफिकेशन करता इटली का, इससे पहले मज़ीनी भाई साहब ने 2 बार ट्राई कर लिया था और दोनों बार फेल हो गए थे। तो फिर विक्टर इमैनुअल ने सोचा चलो मैं ही इटालियन स्पीकिंग एरियाज को यूनिफाई कर देता हूं। अगेन राजा ने खुद से काम नहीं किया, अपने चीफ मिनिस्टर को बोला। चीफ मिनिस्टर का नाम था केवोर। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का आर्किटेक्ट कौन बना? केवोर बना। केवोर ने अपनी डिप्लोमेसी के साथ और गुज़िप गारिबाल्डी नाम के एक लोकल लीडर के साथ मिलके इटालियन स्पीकिंग रीजन्स को यूनिफाई किया और 1861 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली करके राजा साहब को गद्दी पे बिठाया। तो ये तो हो गया यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नाउ लेट्स कम टू द ब्रिटेन। ब्रिटेन का केस थोड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि अनलाइक जर्मनी और इटली, ब्रिटेन का कोई एक लड़ाई करके या 2-3 लड़ाइयां करके यूनिफिकेशन नहीं हो गया था, एक बहुत लंबे समय तक, सेंचुरी तक चला था ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। और वहां पे तो राजा महाराजा कर रहे थे यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन इंग्लिश पार्लियामेंट ने किया था। देखो ब्रिटेन, जो अभी आप ग्रेट ब्रिटेन देखते हो, वहां पे सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं रहते हैं, वहां पे एक्चुअली 4 different ethnicities रहा करती थी और आज भी रहते हैं। इसमें आते थे वेल्श लोग, आयरिश लोग, स्कॉटिश लोग और इंग्लिश लोग। अब इसमें से जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे यानी कि इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे बहुत पावर हासिल कर ली थी। आप जानते ही हो कि इंग्लैंड की कितनी सारी कॉलोनीज थी, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम। तो जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ रही थी वैसे वैसे वो अपने आसपास वाली एथनीसिटीज पे भी कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ऐसे 2 पैतरे आजमाए। पहले स्कॉटलैंड को धोखा देके अपने कब्जे में कर लिया एक्ट ऑफ यूनियन के साथ, जो 1707 में बना, और स्कॉटलैंड को बोला था कि यार हम दोनों मिलके ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठेंगे, 50-50 होगा सब कुछ। पर ऐसा नहीं था, इंग्लिश लोग वहां पे डोमिनेट करते थे, स्कॉटिश लोगों को अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम भी पहनने नहीं दिया जाता था, गेलिक भाषा भी बोलने नहीं दी जाती थी। दूसरा धोखा इंग्लिश लोगों ने किया आयरलैंड के लोगों के साथ। आयरिश लोगों में कैथोलिक लोग हुआ करते थे और प्रोटेस्टेंट लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने वहां फूट डालो राज करो की नीति अपना के आयरलैंड को भी फोर्सफुली अपने कब्जे में कर लिया। और ऐसे बना ब्रिटेन से ग्रेट ब्रिटेन। वहां पे आज भी इंग्लिश बोली जाती है और इंग्लिश कल्चर ही डोमिनेट करता है, और गॉड सेव द नोबल किंग पूरे ब्रिटेन का नेशनल एंथम है। तो ये था स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर व्हिच इज एलिगोरी एंड बाल्कन रीजन। देखो मेरे हाथ में ये संतरा है, मैं बोलूं आई लव ऑरेंजेस तो आप ऑरेंज को तो देख पा रहे हो, लेकिन आप क्या मेरे प्यार को, ऑरेंज के प्रति मेरे प्यार को देख पा रहे हो? नहीं ना। तो इसी को बोला जाता है एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग या इमोशन। कुछ चीजें होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जिन्हें हम आकार या रूप नहीं दे पाते, लेकिन आर्टिस्ट लोग उसे भी आकार और रूप दे देते हैं। तो ऐसे ही आप जब किसी मिस्टिकल फीलिंग या इमोशन को एक इंसान के रूप में व्यक्त करते हो तो उसे पर्सोनिफिकेशन या एलिगोरी बोला जाता है। जैसे भारत के प्रति अपने प्यार को भारत माता के रूप में व्यक्त करते हो, वैसे ही फ्रांस के प्रति प्यार को एलेगोरी बनाया गया क्रिश्चियन मेरियन के रूप में, और जर्मनी के प्रति लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया जर्मेनिया के रूप में। क्रिश्चियन मेरियन की कुछ ये फीचर्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जर्मेनिया से रिलेटेड बातें आपको इस ब्लॉग में मिल जाएंगी। एक एक चीज जर्मेनिया से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चलती हूँ
लास्ट टॉपिक की तरफ जो है बाल्कन एरिया। तो जो लास्ट क्वार्टर था 19th सेंचुरी का, वहां पे नेशनलिज्म को लोगों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि लोगों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले हमने देखा कि नेशनलिज्म कैसे लोगों को करीब लाता था, लेकिन अभी लेटेस्ट एग्जांपल बाल्कन वाले एग्जांपल में हम देखेंगे कि कैसे एथनिसिटीज के बीच में दीवार खींच गई नेशनलिज्म की वजह से। तो चलो बाल्कन को डिस्कस करते हैं। बाल्कन यूरोप एक ऐसा एरिया था जहां पे किसी एक कल्चर के लोग नहीं रहते थे बल्कि अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। मैसेडोनिया के भी लोग थे, स्लोवेनिया के भी लोग थे, क्रोएशिया के भी लोग थे, ऑल ऑफ दोस राइट। इन सबका कल्चर भी अलग था, एथनिसिटीज भी अलग थी, इसीलिए इन्हें बाल्कन रीजन में स्लैव बोला जाता है। मतलब कि हर एक डिफरेंट कल्चर को आप एक डिफरेंट स्लैव की तरह इमेजिन कर लो। अब इस पूरे बाल्कन एरिया पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। अब धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में फैल रही थी, तो इन स्लैव एथनीसिटीज को भी समझ आ रहा था कि यार हम ऑटोमन एम्पायर द्वारा डोमिनेट क्यों किए जाते हैं जब हमारा कल्चर अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, राइट। तो उन्होंने नेशनलिज्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ाइयां करनी शुरू कर दी, क्योंकि एक दूसरे से बहुत जलते थे ये लोग टेरिटरी के नाम पे, और ऑटोमन एम्पायर से लड़ाई शुरू कर दी क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो इसीलिए इंटेंस राइवलरी क्रिएट हो गई बाल्कन वाले एरिया में स्लैव्स के बीच में, और इनफैक्ट यूरोप के भी देशों में, बिग यूरोपियन पावर्स में जैसे कि फ्रांस, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि ऑस्ट्रो हंगरिया, जो बाल्कन रीजन को रिसोर्स रिच मानते थे और वो चाहते थे कि बाल्कन पे हम कब्जा कर ले। तो आप सोचो, मतलब एक छोटा सा एरिया यूरोप का जहां पे लोग इंटरनली भी लड़ रहे हैं और एक्सटर्नली भी दुनिया में लड़ाई हो रही है बाल्कन के लिए, तो ये पूरा एक हॉटस्पॉट बन गया था कॉन्फ्लिक्ट का, और ये एक मेजर रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दुनिया में। फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में जिन भी देशों को कॉलोनाइज किया गया था, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो इंडिया हो, उन सारे देशों ने आजादी ली, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स किए, जैसे हमने किया फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन, और उसी के साथ दुनिया में धीरे धीरे नेशन स्टेट आना शुरू हुए। और आज आप देखते हो आपके आसपास सारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ नेशन स्टेट्स हैं, जैसे कि भारत, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि स्पेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।